यहाँ क्या खाएगा आदमी, क्या पिएगा। तो एक एक रूम में हम 50 आदमी, 20 आदमी, 30 आदमी यहाँ बैठे हैं। आज तक एक भी सामान नहीं पहुँचा है। यहाँ जितने लोग आप देख रहे हैं, ये कई रोज से भूखे हैं। बच्चे जो है बिलख रहा है जो मुझे कोई रोटी दे दे। नीतीश जी आप कान खोल करके सुन लीजिए, बिहार का आदमी जब अपने पर उतर जाएगा तो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी अभी अभी बोल के गए, उनको ये पता नहीं है जो पब्लिक जो है लाखों के संख्या में मर रहा है, कह रहा कोरोना वायरस को हराना है। मर कैसे हरे, जबकि एक एक रूम में 50-50, 60-60 बंदे हम लोग यहाँ है, भूख से है, हम लोग को पानी नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है। और यहाँ का मकान मालिक ऊपर से और धमका रहा है जो तुम लोग को किराए सही टाइम पे देना है। आज एक महीना तक हमारा मालिक खुद पेमेंट नहीं किया है। जो ठेकेदार के पास काम करते हैं वो भी हमारी खैरियत नहीं पूछ रहा है, जो तुम खाए हो या पिए हो नहीं पिए हो। बहुत हम लोग आस लगाए बैठे थे जो 14-15 तारीख से गाड़ी खुलेगी, या सरकार ट्रेन चलने की आदेश देगी, या फिर जो है बस, मगर इनमें से एक भी समस्या का हल नहीं हुआ। हम तो सिर्फ बिहार के सीएम नीतीश कुमार से ये आग्रह करना चाहता हूँ, जो बड़ी बड़ी बातें करता है, जहाँ हो वहीं रहो। यहाँ क्या खाएगा आदमी, क्या पिएगा। तुमको तो ये कहना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जो हमारे बिहार के पब्लिक जहाँ भी फंसे हैं उनको संयम आप जो है गाड़ी चला के उनको बिहार तक भेजने का कष्ट कीजिए। मगर और मारामारी होगा, यहाँ और कोरोना फैलेगी। इसलिए जो एक एक रूम में हम 50 आदमी, 20 आदमी, 30 आदमी यहाँ बैठे हैं, हमारी कोई खैरियत लेने वाला कोई मुझे पूछने वाला नहीं है। हम तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार से ये कहना चाहता हूँ, जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कीजिए और बिहार के लोग कहीं जिस कोने में है उसको संयम आप जो है घर पहुँचने का काम कीजिए, नहीं तो आपका बहुत बुरा हाल होगा। नीतीश जी आप कान खोल करके सुन लीजिए, ये देश जो है 1947 में जैसे थी ऐसे ही देश को आपने पहुंचा दिया सरकार ने, है? हम लोग करें तो करें क्या, आपको तो बस चलानी चाहिए, ट्रेन चलानी चाहिए। लॉकडाउन पे लॉकडाउन, लॉकडाउन पे लॉकडाउन, आप कह रहे हैं जो संयम बना के रखिए, जहां जो है वहीं रहिए, राशन मिलेगी फ्री, रोटी मिलेगी फ्री, सब्जी मिलेगी, हर चीज, मगर यहाँ आज तक एक भी सामान नहीं पहुंचा है। राशन का दुकान में 1 किलो चावल का 10 रुपए कीमत ज्यादा बढ़ा दिया है। एक अगर कोई गुटखा खाता है तो उसका 15 रुपए लेता है। एक अगर कोई व्यक्ति खैनी खाता है तो उसका 20 रुपए लेता है। और ऊपर से ये कह रहा है लेना है तो लो नहीं तो भागो। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। यहाँ जितने लोग आप देख रहे हैं ये कई रोज से भूखे हैं। नीतीश जी ये कान खोल करके सुन लीजिए, नहीं तो बिहार में आपकी जो है पैर तले जमीन खिसक जाएगी, ये सोच लो। और ये वीडियो जहाँ तक पहुँचे, हम तो अपने बिहार वालों से पुरजोर अपील करते हैं, जो आप लोग जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो हमारे नीतीश कुमार तक पहुँचे। और आप लोग आंदोलन भी कीजिए, बिहार को आग लगा दीजिए, जो आग लग जाए। हमको अब रहने से फायदा क्या है, एक अभी 20 दिन और मुझे यहाँ रहना है, न खाने का है न पीने का है। हमारे नीतीश जी कह रहा है जो जहाँ हो वही रहो, एक पैसा हमारे पास नहीं है। हम तो पुरजोर अपील करते हैं आपसे हाथ जोड़ के, जो आप जैसे भी हो बिहार के आदमी को, हर राज्य से जो है फंसे हुए हैं उनको घर तक ले जाने का आप काम कीजिए। और बंगाल का जो ममता बनर्जी कहता हम पब्लिक के लिए मर रही हूँ, हम ये दूंगी वो दूंगी, मगर सबसे पहले उसी ने घोषणा किया जो 30 अप्रैल तक लॉकडाउन होना चाहिए, मगर उसको ये पता नहीं है जो बिहार बंगाल का आदमी कितना फंसा हुआ है, कोई सुमार नहीं है, हैं? या खाने का लाले पर गया है। लोग बच्चे जो है बिलख रहा है जो मुझे कोई रोटी दे दे। और यहाँ के जो है रहने वाले आदमी है वो तो किसी को कोई पूछता ही नहीं, जो तुम खाए हो कि नहीं पिए हो, एक बाल्टी अगर पानी भी मांगो तो वो देने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो ममता से भी कहता हूँ, जो आप जैसे भी हो बिहार बंगाल के आदमी को बचाने का काम करो, नहीं तो कुर्सी तुम्हारी भी चली जाएगी। और नीतीश तुम ये बात ध्यान रखना, बिहार का आदमी जब अपने पर उतर जाएगा तो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, ये बात ध्यान कर लेना। ये हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी नाथ ने बहुत चालाकी खेला, उसने अपने अपने बंदे को भर भर में बस में वो अपने घर तक पहुंचा दिया। नीतीश आपने क्या किया, आपने तो देश को ही बर्बाद कर दिया।